हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं क्लच प्लेट। ये रखी है आपके सामने एक स्पार्क मिंडा और एक रखी है मकीनो क्लच प्लेट। ये दोनों ही हीरो होंडा स्प्लेंडर गाड़ी की हैं। अब इनमें से हम बात करते हैं दोनों में से कौन सी बेहतर है। ये देखिए, ये आपके सामने रखी है स्पार्क मिंडा की क्लच प्लेट है, ये जेन्युइन, ठीक है। और दूसरी रखी है आपके सामने ये मकीनो क्लच प्लेट। अगर हम अपनी बाइक में क्लच प्लेट यूज़ करते हैं लोकल अदर ब्रांड में, तो कौन सी यूज़ करें। तो हमारे लिए एक ऑप्शन मिलता है स्पार्क मिंडा डालें तो बेहतर है, क्योंकि मकीनो क्लच प्लेट डालते तो हैं, ये तो मिंडा से सस्ती हैं और जेन्युइन से कंपेयर करी जाए तो काफ़ी सस्ती हैं। ये क्लच प्लेट शुरू में तो पिकअप दिखाती हैं, बस कुछ दिन चलने के बाद ये मकीनो की क्लच प्लेट हल्की वीक हो जाती हैं। और ये हमारी स्पार्क मिंडा, ये आप समझ लीजिए जेन्युइन को कंपेयर करती है। स्पार्क मिंडा जो क्लच प्लेटें आप डालेंगे तो ये जेन्युइन को कंपेयर करती हैं। इस क्लच प्लेट में ये खासियत है, ये जेन्युइन को कंपेयर करती हैं स्पार्क मिंडा, क्योंकि ये मैंने खुद ही यूज़ करी है अपनी बाइक में डाल के। स्पार्क मिंडा ही क्लच प्लेट है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मिंडा तो सभी मैकेनिकों को पता है, और ज़्यादातर कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन भाई लोगों को ये भी पता है कि स्पार्क मिंडा क्या होता है और मिंडा क्या चीज़। जैसे मिंडा के लॉक आते हैं, वायरिंग स्विच आते हैं वगैरह, ये सब मिंडा में आते हैं। तो ये मिंडा की क्लच प्लेट जो आप कभी भी यूज़ करें, और जिन लोगों ने यूज़ ना की हों, जिन मकैनिकों ने, वो भी मिंडा की क्लच प्लेट यूज़ करें और यूज़ करके देखें इसका रिज़ल्ट कैसा है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है मिंडा का, ठीक है भाई लोग। यही इसी बारे में मुझे आज बात करनी थी इसी टॉपिक पे हमें, कि दोनों क्लच प्लेटों में से कौन सी बेहतर है। तो मेरे लिए तो यही स्पार्क मिंडा बेहतर है, मकीनो से काफ़ी बेहतर है, और रेट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है। मिंडा का रिज़ल्ट जेन्युइन की तरह रिज़ल्ट आता है, ये जो मिंडा क्लच प्लेट है। और बाकी अगर हम कोई भी लोकल डालते हैं, जैसे MK की डाल दी है, मकीनो डाल दी है, और बहुत सी कंपनियाँ हैं, वो फ़ायदा नहीं है डाल के। ये डालें तो ये बेहतर है, क्योंकि मकीनो और MK में पिकअप तो स्टार्टिंग में काफ़ी रहता है, कुछ दिन चलने के बाद में फिर पिकअप उनका वीक होने लगता है। और मिंडा का ऐसा रिज़ल्ट है कि मिंडा क्लच प्लेट आप जब भी डालेंगे तो शुरू में वो पिकअप रहेगा और कुछ दिन बाद भी, यानी ये जेन्युइन को कंपेयर करती हैं समथिंग, तो बस थोड़ा ही बहुत फ़र्क होगा, इतना फ़र्क नहीं रहता। ये जेन्युइन को कंपेयर करती हैं मिंडा की क्लच प्लेट, ठीक है भाई लोगों।